तो गाइस इस वीडियो में बहुत श्योर और प्लस इमोशनल ड्रामा है, इसे देख के आपके आंसू में आंसू आ सकते हैं। मैं तो रोते रोते बचा हूँ इस वीडियो को देख के, आप मत रोना। ओके, अब एक्सीडेंट हो गया क्या? हाँ भाई एक्सीडेंट हो गया। अरे भाई भाई को वाला का नंबर नोट किया? बहुत तेजी से निकल गया, कॉल करो, मेरे फोन में रिचार्ज नहीं है। एक मिनट, पर मिस कॉल किसे करना है? कुछ नंबर वंबर तो बताओ, हम लगा देते हैं ससुरा को कॉल। देख रहे हो, पुलिस के लफड़े में नहीं पढ़ना चाहता है। हाँ नहीं पढ़ना चाहता, इतना ही हमदर्दी है तो आप ही लोग एम्बुलेंस को बुला लीजिए और इनको हॉस्पिटल ले जाइए। अरे ससुरा ने पर्स चुरा लिया और तुम दोनों झगड़ा कर रहे हो। चल, अच्छा फोन तुम्हें भी चुराया ना, तो तुम पर्स के लिए क्या बोलोगे? मोबाइल चुरा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अरे तुम इसे क्या बोल रहे हो, फोन का चुरा, तुमने भी तो पर्स चुराया। तुमने भी तो पर्स चुराया, तुमको शर्म नहीं आया? हाँ भाई साहब आप सही बात कर रहे हो, पर्स इसने चुराया तो फोन तो आप चुराएंगे ना। वाह क्या बात है। अरे भाई साहब ये तो उड़ गया, अब भाग जाओ भूत साला लगता है। ऐसे हमारा देश तरक्की करेगा? हाँ फोन चुरा लो लेकिन आपको शर्म नहीं आएगी, ये पर्स चुरा ले इनको शर्म नहीं आएगी। नहीं नहीं भाई साहब, इन्होंने पर्स चुराया और इन्होंने मोबाइल चुराया, आप गलत बोल रहे हो। आपने सही से देखा नहीं क्या, एक बार फिर से देखिए। अरे बंदे का एक्सीडेंट हो गया, वो तड़प रहा है, वो मर रहा है, उसे हॉस्पिटल ले जाओगे, इस बात पे तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है? नहीं नहीं इनको इन बात पे शर्म नहीं आ रही, क्योंकि आप मर गए हो तो इनका पहले फोन और पर्स का तो बंटवारा करना पड़ेगा ना, वरना क्या है कि आपके साथ ये भी सड़ जाएंगे ना, इसलिए पहले इनका बंटवारा करना जरूरी है। मान लो अगर तुम्हारा भाई होता, तुम्हारे पिता होते और उनके साथ भी कोई ऐसा करता जैसा तुम लोगों ने किया तो कैसा लगता? इनकी जगह इनका भाई या पापा होता तो ये पहले बंटवारा कर लेते का, क्योंकि पता है कि पैसा भाई के पास बहुत है और पापा के पास जमीन बहुत है ना, इसलिए। भैया ये लीजिए अपना पर्स। अरे यार ये पर्स रख लो, फोन रख लो, हो सकता है शायद इसी चोरी की वजह से तुम लोगों के अंदर इंसानियत आ जाए। और भाई साहब अपने फोन पर्स तो लेके जाइए, ऐसे करेंगे तो आप कब तक क्या पता एक्सीडेंट कर करके आप दिवालिया घोषित ना हो जाए। आपकी इमोशनल स्टोरी देख के तो मेरी आंखों में कुछ भी नहीं आया, ऐसी स्टोरी मत बनाया कीजिए।